Hey guys, how are you? I'm from Radical Tech Art Solution Private Limited and today we are going to discuss about the loop power indicator with FLP. जैसे कि guys आप देख सकते हैं कि हमारे सामने प्रोडक्ट है loop power indicator with FLP. guys आज हम इसके जो है वो स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसका जो मैनुअल सेटिंग है वो हम कैसे कर सकते हैं और हम आपको पूरी पूरी प्रोडक्ट दिखाएंगे. सो गाइज, हमारा वीडियो शुरू करने से पहले जो है हम इसके स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं. तो गाइज, इसमें जो है वो लूप पावर इंडिकेटर लगा हुआ है, तो जो ये प्रोग्रामेबल है और जो एक्यूरेसी है इसकी 0.1% ऑफ फुल स्पान है. 4-digit LED डिस्प्ले ऑप्शन में है और लूप पावर्ड विद हाई नेग्लिजिबल ड्रॉप है. रिवर्स स्केलिंग फॉर इंडिकेशन रेंज, स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्शन, इजी कॉन्फ़िगरेशन विद पुश बटन, कॉम्पैक्ट एंड IP65 प्रोटेक्शन. इंडिकेशन रेंज आपको जो मिलेगी वो मिलेगी -19,099 to 9,099 तक, और जो डेसिमल सिलेक्टेबल रहेगा वो 0 to 3 तक रहेगा, और जो रिस्पांस टाइम रहेगा वो लेस देन 500 माइक्रो सेकंड तक का रहेगा. और जो इसमें RTD जो है वो RTD के लिए इसमें टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगा हुआ है जिसकी एक्यूरेसी आपको मिलेगी 0.1% ऑफ टेम्परेचर लीनियर 4 to 20 mA आउटपुट. स्लिम कॉम्पैक्ट रिजिड है. अपस्केल एंड डाउनस्केल सिलेक्टेबल है. सेंसर ब्रेक डिटेक्शन है. फ्रंट एक्सेसिबल जीरो एंड स्पान कैलिब्रेशन है. शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट प्रोटेक्शन ऑफ आउटपुट. लो पावर कंजप्शन विदाउट हीट डिसिपेशन एंड RTD PT103 वायर सिलेक्टेबल है. तो गाइज, ये थी इस पूरे लूप पावर इंडिकेटर विथ FLP की जो स्पेसिफिकेशन थी ये थी. अब गाइज, हम इसको अब हम दिखाएंगे कि आप इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए गाइज, आपको जो इसका ऊपर का जो डिस्प्ले वाला जो स्लॉट है वो ओपन करना पड़ेगा. तो अब हम आपको दिखाएंगे इसको ओपन करके. तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए पुश बटन दिए हुए हैं. तो सबसे पहले जो यहाँ पे ये दोनों अप एंड डाउन के लिए है और ये है जो सिलेक्ट के लिए है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी करंट जो टेम्परेचर है वो अभी 24 दिखा रहा है. तो हम इस पुश बटन की मदद से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एंटर बटन है उसका यूज़ कैसे होता है. तो ये पासवर्ड के लिए है. हमने यहाँ पर पासवर्ड 00 सेट किया हुआ है. ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए है. ये 0 है और ये वापस 0. और गाइज, जैसे कि यहाँ पर 0 होने के बाद यहाँ पे आप स्पान सेट कर सकते हैं और स्पान आप जो भी सेट करना चाहे, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि स्पान आप अपने तरीके से सेट कर सकते हैं. और यहाँ पे ये जैसे कि हमने यहाँ पे स्पान जो है अभी 100 सेट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे जो ब्लिंक हो रहा था उस चीज़ से आप अप एंड डाउन करके इसको सेट कर सकते हैं. और जो है यहाँ पे डेसिमल आप सेट कर सकते हैं, तो जो भी आपके रिक्वायर्ड डेसिमल है वो डेसिमल को आप अप एंड डाउन की मदद से सेट कर सकते हैं. यहाँ पे स्क्वायर रूट के लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट भी आप इसमें सेट कर सकते हैं. और जो है ये प्रोसेस है वो आपको थोड़ी फास्ट करनी रहेगी, क्योंकि जो इसमें प्रोग्राम का जो सिस्टम है वो वापस. और ये जो है, अब गाइज हम कैलिब्रेशन की बात करेंगे. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पासवर्ड में जाना है. पासवर्ड में 0 है. 0 में हमें यहाँ पे वापस एंटर देना है और यहाँ पे जो स्विच है इसमें जाना है. तो ये कैलिब्रेशन का पॉइंट है और अप एंड डाउन से आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं. तो गाइज, ये थे उसके पूरे फंक्शन जो आप मैन्युअली से ऑपरेट करवा सकते हैं. और अब जो इसका बैकवर्ड साइड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कि जैसे कि मैंने पहले डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ था कि जो बैकवर्ड साइड में हमने यहाँ पे TT लगाया हुआ है. तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने TT को कनेक्ट किया हुआ है बैकवर्ड साइड में. तो गाइस, ये थी हमारी प्रोडक्ट FLP इंडिकेटर विथ लूप पावर. सो होप कि गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारी जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.